मोहब्बत ज़िंदा हो जाती है तुम्हें देखने के बाद, वरना दिल हम आज भी अपने पास नहीं रखते। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है, मैं शिवा और आपको पता ही है, आई होप आपको कुछ बातें अच्छी लगती होंगी। तो आपको बस थोड़ा सा सजेशन देना है कि कमेंट में लिख के उनको लोगों तक बयां करना है। यार एक्चुअल में मैंने रिश्तों को देखा है, आज के रिश्ते सच कहूँ तो मोहब्बत के नहीं पैसे के ज़्यादा हो गए हैं। अब ये पैसा बहुत डिपेंड करता है लाइफ स्टाइल के लिए, कि पैसा होगा स्टेटस होगा तब आपका लोग साथ देंगे, वरना जो प्यार करते हैं वो एक दिन वो यही बोलेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है इसलिए मैं आपसे दूर जा रहा हूँ या दूर जा रही हूँ, उसके बाद आपकी मोहब्बत का सिलसिला ख़त्म और किसी एक को तड़पना ही होता है ना। तो यही कुछ बातें हैं मोहब्बत के सिलसिले में, हर इंसान टूटता है, वो चाहते हुए भी अपने जो पार्टनर है उसको याद करता रहता है, हर इंसान उसको समझाता है लेकिन फिर भी वो उसको भूल नहीं पाता। इसका एक्चुअल में मीन्स यही है, उसके साथ बिताया हुआ वक्त कभी भूल ही नहीं पाते। और ज़्यादातर ऐसा होता है, आपसे मैं लाइफ में यही कहना चाहूँगा जितने भी लोग हैं कि यार आपको पता है क्या करना है, आपको अपना स्टेटस बनाना है। लोग नहीं देखते कि आप क्या हैं, बस स्टेटस देखते हैं। तो पहले आप अपना स्टेटस बनाओ, उसके बाद लाइफ में उन चीज़ों को हासिल कर सकते हो जो आप चाहते हैं। वैसे हासिल तो होने को तो बहुत कुछ हो जाता है जो हम चाहते हैं, लेकिन प्यार को हासिल करना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब यहाँ पर इंसान बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और कुछ कर ही नहीं पाते, उनके दिमाग में एक ही चीज़ होती है। आप मेरी वीडियोस देखते होंगे, उसमें कुछ कहानी ऐसी है, लेकिन अपना दुख दर्द आखिर किसे दिखाएं? सुनने वाले तो होते हैं लेकिन समझने वाले शायद नहीं होते, इसलिए हम तड़पते रहते हैं। 90% लोगों के साथ में शायद ऐसा होता हो, 10% सफल हो पाते हैं अपने प्यार को लेकर। उनके लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा, या वो लड़की है चाहे वो लड़का है, आप जीवन में शादी किसी से भी कर लेंगे लेकिन जो खुशी आपको अपने पार्टनर के साथ मिलती है ना, वो शायद वहाँ नहीं मिल सकती। जब एक लड़की के साथ में गलत होने लगता है, जब उसकी शादी हो जाती है, तो वो कई बार ये सोचने लग जाती है कि शायद मेरे लिए अच्छा होता अगर मैं आज अपने प्यार के साथ होती। दो रोटी खाओ लेकिन अच्छे से। अब लोग यार यहाँ पर पिज्जे के सोचने लगते हैं, तो ओबियसली यार पिज्जा तो कॉस्टली होता ही है लेकिन पिज्जे में प्यार नहीं होता है। जो साथ में बैठकर रोटी खाने में प्यार होता है वो पिज्जे बर्गर के अंदर प्यार नहीं होता है। तो वैसी लाइफ है, जो प्यार के साथ जीवन बिताने में मज़ा है ना, वो शायद उनमें नहीं जो आपको हर बात पर टोके, ये मत कर वो मत कर। आपको पता है आपका प्यार कैसे हैंडल होगा, लेकिन कुछ प्यार भी गलत निकल जाते हैं, सही वो भी नहीं हो पाते हैं। बट आपको हैबिट्स पता होती है, इसलिए बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार स्टेटस बनाओ और लाइफ को मूव ऑन करो, आगे बढ़ो और जो पाना चाहते हो पालो। यार एक बार जीवन मिला है मुझे भी, तुम्हें भी और होल वर्ल्ड जितने भी लोग हैं इस दुनिया में, तो आपका हक बस यही बनता है कि आप अपने प्यार के साथ हो जाओ। जीवन में जब आप दुखी होंगे ना, तो उसके साथ में दुख कम महसूस होगा। और वीडियो कैसी लगी है, आई होप कि अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताना और वीडियो को शेयर करना है। यार बातें हैं तो कमेंट कर सकते हो यार, ठीक है। तब तक अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, और जाते जाते जिंदगी तू कितना कमाल करती है, मेरी खूबियां पता है तुझे फिर भी तू मेरी कमियों पर हर रोज वार करती है। जिंदगी तू कितना कमाल करती है, पहले तो सपने देखना सिखाती है फिर मेरे सपनों पर सवाल करती है। जिंदगी
तू कितना कमाल करती है, कभी तो जी भर के रुलाती है तो कभी बेपनाह प्यार करती है। जिंदगी तू कितना कमाल करती है, जिस बारे में समझाया था ना आपको, फिर क्यों हर रोज़ तू मुझसे मुलाकात करती है। जिंदगी तू कितना कमाल करती है। नाराज़ नहीं हूँ मैं तुमसे, तो क्यों हर बार बेमतलब का बवाल करती है। जिंदगी तू कितना कमाल करती है। यार कितना अजीब सिलसिला है ना मोहब्बत का, कि जिंदगी हर रोज़ एक सवाल करती है और बवाल भी करती है। सब कुछ पता होने के बाद भी तुम मुझसे सवाल करते हो, नहीं करना चाहिए, समझ जाओ। एक डायरी हूँ, खामोश रहता हूँ, लिखता रहता हूँ। जो इन अल्फाजों को समझ जाएगा वो ज़िंदगी से जाएगा ही नहीं, और जो नहीं समझ पाएगा वो पढ़कर भी ज़िंदगी में आएगा नहीं। चलो फिर इसी के साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है और लाइक करना है, और कुछ सजेशन है तो पूछना है। अब अपडेट रहने लगूँगा। ओके बाय।